अब हमारे भारत देश में भी मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन आएगी और ये चीज अब न्यूज में भी आ चुकी है और गवर्नमेंट ने भी इस चीज पर ऑर्डर दे दिए हैं। तो ये न्यूज के बारे में हम जानते हैं पूरी इंफॉर्मेशन, आखिरकार क्या क्या इसमें चीजें होंगी और इसकी शुरुआत कब होगी और कब से ये चालू हो जाएगी, ये सारी इंफॉर्मेशन आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होने वाली है। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अब जैसा कि हम बात कर रहे हैं मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन के बारे में, हालांकि बात तो काफी टाइम पहले से चली आ रही है और आपने बीच बीच में न्यूज भी देखी होगी इस पर कि हमारे इंडिया में भी अब बुलेट ट्रेन चलेगी। अब बुलेट ट्रेन की अगर हम बात करते हैं तो इसे बुलेट क्यों कहा जाता है, तो अगर स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर हो जाती है तो ऐसे में वो नॉर्मल ट्रेन नहीं कहलाई जाती, वो बुलेट ट्रेन कहलाई जाती है। और इसकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर नहीं, उससे कई गुना ज्यादा होगी। और ये जितनी भी ट्रेन होंगी वो नॉर्मल ट्रेन जैसी ट्रेन नहीं होगी, ये हाई स्पीड वाली अलग ट्रेन होगी, साथ ही इसका ट्रैक भी अलग रेडी होगा। और मैं आपको बता दूं एक चीज कि सिर्फ 16 नेशंस ऐसे हैं जिनके पास हाई स्पीड रेलवेज है। अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो सबसे लॉन्गेस्ट नेटवर्क वाली कंट्री चाइना है जो कि करीब 27,000 किलोमीटर की है। और बाकी कंट्रीज के ट्रैक की बात करें तो जापान, स्पेन, फ्रांस एंड जर्मनी, इनका ट्रैक करीब है हाई स्पीड ट्रेन के लिए 1000 किलोमीटर। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में बुलेट ट्रेन को वंदे भारत प्लेटफॉर्म पर बिल्ट किया जा रहा है और ये चीज अब शुरू भी हो गई है। अब क्यों वंदे भारत पर बनाया जा रहा है तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें मैक्सिमम स्पीड जो ये अचीव कर चुके हैं वो है 220 किलोमीटर पर आर। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट इसमें काफी ज्यादा पैसा अपना लगा रही है जिससे कि वो बेस्ट से बेस्ट बुलेट ट्रेन बना सके। अब अगर हम इसके डिजाइन की बात करें कि डिजाइन कौन प्रिपेयर करेगा तो इंडियन रेलवे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में है वो डिजाइन करेंगे और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में ही वंदे भारत को बिल्ड किया जाता है तो ये चीज चेन्नई में ही होगी। अब किस टेक्नोलॉजी से ये बनाई जाएंगी तो ये जापानीज टेक्नोलॉजी से बनाई जाएंगी। साथ ही इसका प्रूफ भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि सबसे ज्यादा स्पीड पर फोकस किया जा रहा है यहाँ पर। ये न्यूज तो आपने जरूर देखी होगी वंदे भारत से रिलेटेड। तो यहाँ पर रिकॉर्ड कैसे ब्रेक किए मैं आपको बताती हूँ कि जो बुलेट ट्रेन है वो 0 से 100 किलोमीटर जो है वो 55 सेकंड्स में कवर करती है, यानी कि 54.6 सेकंड्स में कवर करती है। लेकिन यही जो वंदे भारत का नया वर्जन है वो 0 से 100 किलोमीटर को सिर्फ 52 सेकंड्स में कवर कर रही है। तो मैं आपको बता दूं कि वंदे भारत के काफी सारे वर्जन्स हैं। अगर हम 2019 के वर्जन की बात करें जो कि सबसे पहला लॉन्च हुआ था तो इसकी टॉप स्पीड थी 160 किलोमीटर। यही 2019 में जो वंदे भारत का वर्जन आया उसमें 180 किलोमीटर और अब जो लेटेस्ट वर्जन आया 2024 में इसका टॉप स्पीड है 220 किलोमीटर का। अब ये जो मैंने टॉप स्पीड बताई है इसका मतलब ये नहीं कि वंदे भारत इसी स्पीड पर चलेगी। मैं आपको बता दूं कि उसके लिए काफी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जिस पर हम अभी काफी ज्यादा काम कर रहे हैं और उसके लिए हमें सेम रेलवे ट्रैक भी नहीं चाहिए होगा, उसके लिए हमें डिफरेंट रेलवे ट्रैक भी चाहिए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो भारत में बुलेट ट्रेन बनाई जा रही है इसको डिप्लॉय कहां किया जाएगा, इसके कॉरिडोर्स कौन कौन से होंगे। तो यानी कि अभी तो वेस्टर्न में सबसे पहले ज्वाइन किया जाएगा, उसके बाद नॉर्थ, ईस्ट और साउथ में भी ज्वाइन कर लिया जाएगा। अब जो नए कॉरिडोर्स बने गवर्नमेंट चाहती है कि वो नए इंफ्रास्ट्रक्चर और नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ही बने जिससे कि आने वाले टाइम में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि बुलेट ट्रेन में जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है बनाने के लिए वो जापानीज टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी। जैसा कि हमें पता है कि जो अहमदाबाद से मुंबई की जो रेलवे ट्रैक है उसमें जापानीज टेक्नोलॉजी यूज की गई है। साथ ही हम जापानीज टेक्नोलॉजी का शिंकानसेन E5 सीरीज बुलेट ट्रेन यूज करने वाले हैं जो कि लगभग हिट कर चुकी है 320 किलोमीटर पर आर को। और जैसा कि आपको स्क्रीन पर ये बुलेट ट्रेन की फोटो शो हो रही होगी, यही बुलेट ट्रेन की मैं बात कर रही हूँ। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एक तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये वाली बुलेट होती है और दूसरी एक और बुलेट ट्रेन होती है जो कि वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन कहा जाता है जिसको मैगलेव। तो यहां मैं आपको बता दूं इन दोनों में काफी बड़ा डिफरेंस है। ये जो शिंकानसेन E5 सीरीज है ये आपका रेलवे ट्रैक पर ही दौड़ता है, लेकिन अगर हम दूसरे मैगलेव की बात करें, लेकिन ये जो ट्रेन है ये नेविगेटिंग टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होती है और ये जो मैगलेव ट्रेन होती है ये वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन मानी जाती है।
अब ये जो प्रेजेंट में अहमदाबाद और मुंबई में वेस्टर्न कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, इसके लिए हमारी इंडियन रेलवे ने जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी से करीब 40,000 करोड़ का लोन लिया है। तो यहाँ आप खुद देखो कि गवर्नमेंट कितना ज्यादा फोकस कर रही है इस चीज पर और इतना बड़ा लोन भी ले रही है। साथ ही अगर टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट देखें तो वो हो रही है 1.08 लाख करोड़ की। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट 1.08 लाख करोड़ खर्च कर रही है, उसमें महाराष्ट्र और गुजरात भी कुछ अमाउंट देगी, जिसमें कि आपका अमाउंट 5,000 करोड़ तक का होगा और हो सकता है कुछ सेंटर्स और कंट्रीब्यूट करें, और साथ ही बाकी का रिमेनिंग फंड हम जापान से ले रहे हैं, वो भी 0.1 इंटरेस्ट रेट पर। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में लगी है, बुलेट ट्रेन वाले को, और इन्होंने बताया है कि जो अहमदाबाद से मुंबई वाला जो रेलवे ट्रैक बन रहा है वो 300 किलोमीटर पियर वर्क कंप्लीट हो चुका है। ये जो टोटल ट्रैक है वो 500 किलोमीटर का है, जिसमें से 300 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। मुंबई अहमदाबाद का जो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर है वो जो डिस्टेंस है वो 508 किलोमीटर की है, और इसमें हम मैक्सिमम स्पीड जो अचीव कर पाएंगे वो 320 किलोमीटर पर आवर की है। और इस कॉरिडोर में 24 रिवर ब्रिजेस, 28 स्टील ब्रिजेस, 7 माउंटेन टनल आर बीइंग इरेक्टेड फॉर द बुलेट ट्रेन रूट, और इसमें लॉन्ग सी अंडर टनल भी बनेगा जो कि 7 किलोमीटर लंबा होगा। साथ ही इंडियन रेलवे का कहना यह भी है कि ये जो बुलेट ट्रेन ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, इसमें नई 35 बुलेट ट्रेन और स्टार्ट हो जाएंगी, लगभग 70 ट्रिप्स पर डे होंगी, जिसमें कि अराउंड 1.6 करोड़ लोग हर साल ट्रेवल कर सकेंगे। यानी कि ये चीजें अभी एक्सपेक्ट की जा रही हैं और आने वाले टाइम में ये सारी चीजें रियलिटी में भी कन्वर्ट हो जाएंगी। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बन रहा है, इसमें अर्थक्वेक डिटेक्शन सिस्टम भी बनाया जाएगा, जिससे कि अर्थक्वेक के टाइम पर ज्यादा खतरा ना हो और इससे हमें काफी फायदा हो सकता है। अब आप खुद देखो कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पर कितना ज्यादा ध्यान दे रही है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट और भी कई सारे प्लान्स लेके आ रही है, इंडियन रेलवे में काफी कुछ देखने को आपको मिल सकता है आने वाले टाइम में। इंडियन गवर्नमेंट के कहने का मतलब यह है कि अगर इलेक्शन के बाद वही गवर्नमेंट वापस आती है तो काफी कुछ और काफी नए प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ एक और न्यूज, ये आपको इकोनॉमिक टाइम्स की शो हो रही होगी, मोदी 3.0 मेगा प्लान फॉर रेलवेज प्लान्स इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10-12 लाख करोड़। यानी कि आने वाले टाइम में रेलवे में इन्वेस्ट करने वाले हैं जो मोदी जी, वो 10-12 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर वापस से मोदी जी की सरकार आती है। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो सब अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है। और जो लोग इन्वेस्टिंग करना अभी शुरू ही कर रहे हैं वो सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना। साथ ही अगर आपने अभी तक इन्वेस्टिंग चालू नहीं की है तो अभी से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में, और उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए होगा, उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आपका क्या कहना है इस वीडियो पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।